सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कलम जोन। स्वागत है आप सभी का मेरे जरूर पूछे में। भाई कैसे हो आप सभी? तरह एक और न्यूली रिएक्शन वीडियो लेकर आया हूँ एक न्यू आर्टिस्ट की भाई आप सभी के लिए। और भाई गाने का नाम इंसैनिटी, और भाई मतलब गाने का नहीं, आर्टिस्ट का नाम है इंसैनिटी। ठीक है, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कलम जोन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सभी? तरह मैं एक और न्यूली फ्रेश आर्टिस्ट और उसके फ्रेश गाने की रिएक्शन वीडियो लेकर आओ भाई आप सभी के लिए। और भाई आर्टिस्ट का नाम होने वाला है इंसैनिटी, और जो गाने का नाम है वो है गुमशुदा यादें। तो भाई आज हम करेंगे इस गाने का रिएक्शन और देखें भाई गाना कैसे होने वाला है। लेकिन उससे पहले भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी यूट्यूब फैमिली से, सब्सक्राइबर से, सपोर्टर से, दोस्तों से, भाइयों से मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, जब मैं एक न्यूली आर्टिस्ट की रिएक्शन डाला करूँ भाई, प्लीज़ उसे बिंज वॉच जरूर करा करो, पूरी की पूरी वीडियो देखा करो, उन्हें सपोर्ट किया करो यार, उन्हें गाने जाके सुना करो। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी अगर मैं न्यू आर्टिस्ट ला रहा, क्योंकि यार जो मेन स्ट्रीम जो रैपर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उन्हें तो पूरी दुनिया सुन रही है, वो अच्छा खासा कमा भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमने इनको नहीं सुना, ऐसे आर्टिस्टों को नहीं सुना, तो ये ग्रो जल्दी नहीं कर पाएंगे, और जिनके पास अच्छा पोटेंशियल है वो भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अभी मेरे काफ़ी सारे सीन में, डेली की सीन में ले लो या फिर हिप हॉप सीन में, काफ़ी सारे ऐसे भाई बंधु हैं जिनका आर्ट गॉड लेवल का है, कोई उनका इंडस्ट्री में उनका आर्ट मतलब मैच ही नहीं कर सकता। लेकिन आज उनके पास वो लाइमलाइट नहीं है जो कि एक वेल नोन रैपर के पास है, समझ रहे हो? तो इसलिए रैपर को फेमस करना या फिर उन्हें अच्छा सही पोटेंशियल उनका दिखाना हमारे ही हाथों में। खैर ये बातें अभी आगे हम और करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन इस गाने की रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। राइट नाउ Would you care for a sedative? मजबूरी मेरी मैं कब खो गया? आजादी में तय किसने देखा? गुमशुदा यादें तो मन मोह लिया, क्या खो दिया? क्या खो दिया? धुंधले नजरे तो मैं सो गया, एक लड़की मिली पर बोर हो गया, बापी ये दिल मैंने कब खो दिया? ख्यालों में I'm in Paris, दिल मेरा still in France, baby you know that I'm sorry, give me a second chance, सोता नहीं बिस्तर पे आई जो सोड़ी, तनाव है मन में anybody, पोशिंग की सपना है I'm in love, आंसू मत पूछ क्योंकि I'm not sorry, baby, baby, yeah. ऐसे फ्लो स्विच मारेगा या फिर गान में शायद से इसका हम देखने को मिलेगा। बेबी क्यों तू मेरे सपनों में आती है, साथी पे विश्वास नहीं क्योंकि तू साथी है, खोया मैं तेरे ख्यालों में, खोया मैं तेरे ख्यालों में, ढूंढू क्यों तुझे मैं हर एक लड़की में, शायरी नहीं करता क्योंकि हूँ कवि, तू मेरे यादों में देखा तुझे मैं शायरी नहीं करता क्योंकि हर एक लड़की में शायरी नहीं करता क्योंकि हूँ कवि, तू मेरे यादों में देखा मैं छवि में, तू ही वो लड़की है क्योंकि मैं चाहता हूँ ये भोली मुझे, मैं बोला उसे लड़की है भोली, तू सुन मेरी बात मान ले, मेरी बात मान ले, मेरी बात मान ले, क्योंकि मैं जानता हूँ आगे की दुनिया है कड़ूस, मेहनत करो क्योंकि सक्सेस नहीं कंजूस। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मोटिवेशन देते हुए, मैं जानता हूँ आगे की दुनिया है कड़ूस, मेहनत करो क्योंकि सक्सेस नहीं कंजूस, बेबी यू लाइट अप माय मूड, केयर करे खुद, रिश्ते की डोरी लूज, क्योंकि मैं बोला मंजूर मुझे नहीं, तेरी आंखें ड्रिप इन बूज, बेबी संभाल ले, बेबी संभाल ले, विच आई फील कि भाई आर्टिस्ट में पोटेंशियल तो काफ़ी है। ठीक है, इसकी लिरिक्स सुनी मैंने, लिरिक्स काफ़ी सही लिखी है, बट जो ड्रॉबैक्स हैं, ड्रॉबैक्स नहीं बोलूँगा, एक इम्प्रूवमेंट टिप है, वो मैं भाई को रिएक्शन खत्म करके देता हूँ। ठीक है, जरूरी है ना भाई कि दुनिया में किसके पास टाइम नहीं है, तुझे पता है मेरे पास चैन नहीं है, मेरे पास बहन नहीं है, तुझे पता है मेरे साथ रहनी है, अकेले रहना नहीं, आखिर ये कहना सही है, म्यूजिक की कहना भी से बोलता तू कहरा नहीं है, क्योंकि मैं बहरा नहीं है, बेबी मैं सैदा नहीं है, फ्लो मेरा ही बेहतर सही है, आगे से मीठे पर बनते ये कैक्टस ही है, आंखें बंद हो जाती है मेरी तो रोने से, लगते क्यों बारिश ही है, कभी किसे मैंने बोला नहीं है, आंखों से मैंने तोड़ा नहीं है, मजबूरी मेरी मैं कब खो गया, आजादी में तय किसने देखा, गुमशुदा यादें तो मन मोह लिया, क्या खो दिया, क्या खो दिया, धुंधले नजरे तो मैं सो गया, एक लड़की मिली पर बोर हो गया, बापी ये दिल मैंने कब खो दिया, ख्यालों में I'm in Paris, दिल मेरा still in France, baby you know that I'm sorry, give me a second chance, सोता नहीं बिस्तर पे आई जो सोड़ी, तनाव है मन में anybody, पोशिंग की सपना है I'm in love, आंसू मत पूछ क्योंकि I'm not sorry, baby, baby.
आगे कोई लाइन नहीं है। सो यस भाई, हमारा गाने का रिएक्शन वीडियो होते हैं यहीं पे खत्म। बट जो मैं टिप की बात कर रहा था वो ये है, आर्टिस्ट का ने गाना सुना और आर्टिस्ट के अंदर काफ़ी अच्छा खासा पोटेंशियल लगा गाने बनाने के लिए। बट वही बात है, आर्टिस्ट ने अभी न्यू स्टार्ट किया है, तो भाई हम जैसे अगर बंदे यही बोलते रहेंगे कि भाई तेरा गाना बहुत बढ़िया, तूने आग लगा दी, फायर ये वो, तू मुंबई आ रहा है, तो भाई आर्टिस्ट ऐसे सीख नहीं पाएगा जब तक उसके हम उसे गलती नहीं बताएंगे, उसे पॉइंट आउट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, मैं ना गाने की बेइज्जती मारूंगा ना आर्टिस्ट की बेइज्जती मारूंगा। अगर आर्टिस्ट ये वीडियो देख रहा है तो भाई उस भाई के लिए जस्ट अ टिप, भाई तुम्हारी लिरिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड जो तुमने जिस हिसाब से गाने का स्ट्रक्चर रखा उसमें जो तुमने दिमाग भेड़ा है वो भी बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा, भाई तुमने इस लेवल का काम किया। बट आई फील कि जो भी तुम म्यूज़िक अपना चूज़ कर रहे हो, ठीक है, जो भी म्यूजिक चूज कर रहे हो उस हिसाब से तुम लिखो, समझ रहे हो, ताकि उस म्यूजिक के हिसाब से वर्ड फिट, मतलब वर्ड जो है वो फिट हो जाए। क्योंकि मेरे को फील हो कि कहीं कहीं आप मीटर से बाहर जा रहे हो, या फिर कह सकते हैं बीट से बाहर जा रहे हो, ऑफ बीट साउंड कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो एक इतनी सी बीट का पोर्शन है, इतना सा म्यूजिक है, उस पर चार वर्ड्स बैठने, वहीं आपने पांच वर्ड फिट कर रखे तो उससे हमें ऑफ बीट सुनाई दे रहा है, तो ठीक है, अपनी डिलीवरी पे ध्यान दो बस। मतलब ये जो मैं कह रहा हूँ डिलीवरी ही काउंट कर सकते हो, डिलीवरी पे ध्यान दो, लिखने पे काउंट करो कि हाँ भाई मैंने सही लिखा, तो डिलीवरी भी बेटर लिखी, समझ रहे हो, तुम्हें फंबल नहीं करना पड़ेगा किसी चीज़ को लेके। तो यार जस्ट अ टिप, बाकी भाई अगर तुमने ऐसी रहा तो क्वालिटी तो धीरे धीरे इंप्रूव हो ही जाने भाई, जैसे जैसे बजट आएगा क्वालिटी अपने आप इंप्रूव होती जाएगी और जैसे जैसे हम धीरे धीरे सीखते आएंगे। बट जो मैंने टिप दी भाई, इसे फॉलो जरूर करना तो तुम्हारे गाने और भी ज़्यादा बेस्ट बनने लगे हैं, तुम्हें खुद के अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगी। और भाई मतलब अगर अच्छा आर्टिस्ट बनना है तो भाई बस दिन भर गानों पे काम करते रहो, जैसे फ्री रहो, स्कूल वगैरह जो भी चल रहा है स्कूल वगैरह करो, जॉब वगैरह करो, साथ ही साथ अपने गानों पे काम करते रहो, लिखते रहो भाई, लिखारी बन जाओ पूरे भाई। सो यस, भिखारी नहीं भाई, लिखारी, जो लिखता है उसे लिखारी बोलते हैं। या तो भाई यही थी हमारी आज की टिप, बाकी गाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तुम भी जाके सुन लेना, डिस्क्रिप्शन में इसका ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना, टेक केयर, लव यू ऑल।